नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत है आपका। देखिए, मेरे हस्बैंड हैं, उनकी उम्र है 75 साल। और उनको जो है ना बड़ी लंग्स की प्रॉब्लम है, COPD है, क्रोनिक जो पल्मोनरी डिजीज होती है ना। तो उनकी हालत ये है कि हालांकि एलोपैथी का इलाज चल रहा है, लेकिन दो कदम भी चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं दो तो सांस फूल जाता है, नहा के आते हैं तो सांस फूल जाता है। तो आपका कोई ऐसा नुस्खा हो जो ठीक जी। देखिए, वाकई ज्यादा उनको है, एलोपैथिक इलाज छोड़े नहीं उनका, और सपिस्तान, उन्नाव, अलसी। सपिस्तान एक दवा का नाम है, उन्नाव एक दवा का नाम है, अलसी एक दवा का नाम है। ये 100-100 ग्राम खरीदें, उन्नाव में से गुठली निकाल कर फेंक दें। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम और पीपले 30 ग्राम, इन सबको पाउडर बना लें और एक चम्मच सुबह खाली पेट इन्हें दिया करें। गरम पानी, और गरम पानी में एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास में मिला दें, और पानी गरम हो तो बहुत अच्छा। और ये उन्हें एक बार या दो बार दिन में दे सकते हैं। सुबह तो निहार मुँह बेहतर है, और रात को सोते समय, और अपनी तमाम दवाइयाँ उनको दे, रोके नहीं। आप बहुत समझदार लेडी हैं और बहुत आप प्यारी हैं अपने हस्बैंड को। इस वक्त 75 साल में आप जैसे प्रेम करते हैं, ऐसे ही करते रहिए, भगवान बहुत खुश होगा। और ये नुस्खा दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।